तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है आप लोगों का आजाद गेमिंग में, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के एक नए सीरीज में। नहीं, आज से हम खेलने वाले हैं बहुत सारे ऐसे पीसी गेम्स या फिर एंड्रॉइड गेम्स जिसको आपको देखने में मजा आने वाला है और मुझे खेलने में भी मजा आने वाला है। तो सीरियसली आज से वो सारी चीजें हम शुरू कर दिए हैं। और जो फर्स्ट गेम खेलने वाले हैं वो है हाउस फ्लिपर। अब हाउस फ्लिपर जिनको नहीं पता है, मैं बता देता हूं इस गेम में क्या होता है। तो हाउस फ्लिपर नाम से तो पता चल चुका होगा कि हाउस में जो यूज करने वाली चीजें होती है घर बनाने में, वो करना है अपने को। तो इसका मेन मकसद है कि इसने अपना एक बिजनेस शुरू किया है और जो मैं हूं, मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया। और मेरा बिजनेस यह है कि मैं पुराने घर को खरीद के, मतलब जो खंडर होते हैं भूतों वाले घर, उसको खरीद के उसको फर्निश करके, रिफर्निश करके उसको फिर महंगे दाम में, मतलब चेप देना है किसी को कि लौंडे देखो ये काली रंग, इसके ऊपर हम मेकअप लड़के, ये लो शिल्पा शेट्टी बन गई है। तो इसी तरीके से करना है, हमें पुराने घर खरीदने हैं, नए घर बना के उसको बेच डालना है। तो सबसे पहले हम जैसे ही घुसते हैं इस गेम में, तो रॉबर्ट भैया मिलते हैं मुझे। वो हमें ज्ञान पेलने लगते हैं, बोलते हैं बेटा देखो हमें एक्सपीरियंस है इस चीजों का। क्या है? हमें एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम जो काम दे रहे हैं तुमको, तुम बढ़िया है, तुमने बिजनेस शुरू किया, तुम अच्छी बात है, बिजनेस शुरू करो। लेकिन हम जो है इस चीज के देवता हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मेरी बात सुनो और जो मैं काम देता हूं वो काम करो सबसे पहले। मैंने बोला ठीक है भैया, आप दीजिए कौन सा काम देते हैं आप, मैं भी तो देखूं। तो मुझे भेज दिया है रॉबर्ट भैया ने इस घर के अंदर। अभी इस घर में मुझे करना है पहला काम, मतलब वो मुझे टास्क देंगे। तो समथिंग क्या क्या देते हैं, पहले तो मैं घर देख लेता हूँ कि क्या क्या है। भाई साहब घर तो बहुत सुंदर है, ये तो पहले से फर्निश्ड है भाई, इसको क्या फर्निश करेंगे हम। अच्छा नीचे लिखा हुआ है तो बाथरूम टेक आउट ट्रैश, हाँ टट्टी साफ करनी पड़ेगी भाई पहले। अरे रॉबर्ट भैया मतलब इतना क्या दुख है, पहले पहला टास्क टट्टी साफ करना। क्या भाई बिजनेसमैन हूं मैं, बिजनेसमैन टट्टियां साफ करूंगा मैं। ठीक है भाई अब करना पड़ेगा, अब ज्ञान तो लेना, ज्ञान पेलने वाले बड़े भैया से आप। अब टट्टी किधर है भाई, ये क्या गोदरेज मग वग उधर कौन रखता है चाय? अबे किचन में रखो जाके साले, मम्मी मारेगी तुमको। अच्छा मेरे को ही मारेगी, मोमबत्तियां ठीक है। फिर गोदरेज वगैरह, टैप टू स्टार्ट मूविंग टू आइटम। अच्छा ओके उठा भी सकते क्या, कह रहे क्या उठा सकते, कुछ नहीं। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा बाथरूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाथरूम किधर है भाई, दरवाजा खोल के देखू कौन सा दरवाजा पे, तो ये बाथरूम है। अरे माँ कसम कचरा तो पूरा भरा पड़ा है रे। अच्छा बाथरूम ही है, ओके। ये इतनी सारी पेटी में कचरा, क्या करता था भाई तू, मर्डर मीटर करके? नहीं, भाई इतना सुंदर तो बाथरूम है, बस कचरे यहां पड़े हुए, इस कचरे को ही हटाना ना, वॉशिंग मशीन तो मस्त है। चलो इसके जूते देखो भाई, ये शॉवर है, मजा कर देंगे भाई, नहाने को तो मजा आ जाएगा। वैसे टट्टी टट्टी में साफ, टट्टी के पीछे साला वो सब रखा हुआ है रे। तो अपने को ये सब नहीं देखना, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल साफ करना है कचरा। अबे मैंने ये क्यों उठा लिया, उसको उधर ही रहने दे भाई। सबसे पहले हमने उठा लिया सारे कचरे और टेक आउट ट्रैश किचन। तो हमने उठा लिया सारा कचरा, अब अपने को जाना है किचन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दरवाजा खोलू मैं, दरवाजा अपने आप कैसे लॉक हो गया था। किचन किधर है भाई साहब, भाई साहब किचन, ये कौन सा है, ये किचन है, ये किचन है। अच्छा भाई सारे कचरे इधर ही पड़े हुए भाई, अरे इधर उठ जा भाई, सारे कचरे किचन में, इतना कचरा क्या पकाता है भाई तू। और ये पिज्जा मंगा के भाई, ये लोग पिज्जा बर्गर खा खा के सारी, मैं साफ करूं, बिजनेसमैन साला इसके घर की टट्टियां और ये सब साफ करता फिरे। चलो ये भी उठा लिया हमने, अब क्लीन विंडोज, अब किचन की भाई खिड़कियां साफ करनी पड़ेगी मुझे। इफ कुडंट बी इजियर स्लाइड योर फिंगर अक्रॉस द स्क्रीन अंटिल द ग्लास इज शाइनिंग क्लीन, ओके। मतलब मुझे हिलाना है, ये पूरी पूरी खिड़की साफ कर दूंगा आज। तारा भाई जोगिंदर इतना खिड़की साफ करेगा कि
किसी ने सोची नहीं होगी। ये भाई साहब ये क्या है? चलो हमने पूरी खिड़की साफ कर दी। ओ शाइनिंग आई एम एम गुड, क्या पता नहीं। तो हमने तीन काम तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हमें कुछ ऐसा काम दिया है, बोला है बेडरूम में सेट हाइलाइटेड आइटम्स। पता नहीं अब उसके बेडरूम जाना पड़ेगा, बेडरूम में क्या क्या गंदी गंदी हरकत करते हैं ये लोग। उसके बेडरूम जाके पता नहीं क्या ठीक करना पड़ेगा। भाई दरवाजा खुल जा, अब बाहर आ गए हम लोग। अब बेडरूम किधर है? इतनी छोटी, ये क्या है? ये बरामदा भाई इतना छोटा? अबे बेडरूम के दरवाजे किधर गए? हाँ खुल जा। अबे खुल, ये भाई ये तो लॉक है। अबे बेडरूम किधर है? अच्छा ये सामने है क्या बेडरूम? ओके चलो। ओ गेमिंग रूम भाई। अबे क्या दिख रहा है? हाँ भाई पीसी PS5 PS4 पड़ा हुआ है। क्या है ये, PS4 है या PS3? मुझे आइडिया नहीं है भाई, गरीब आदमी मैं, गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब पैदा किया। ये हेडफोन मैंने आज खरीदा है पहली बार जिंदगी में 2000 का, वरना 50 रुपए का लीड सुनता हूँ मैं। मैं गरीब हूँ, मैंने आज तक PS4 नहीं देखा कैसा होता है, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ तुम लोगों से क्या है ये। और इतनी बड़ी टीवी LED किसके घर में लगा दिया भाई? हमने तो जीवन में टीवी नहीं देखे। बेडरूम, हाँ इस तरह के चेयर इन लगे ना, चेयर को अपना उठाना पड़ेगा मुझे, चेयर को गेमिंग चेयर की तरफ बनाना पड़ेगा। अच्छा लग गया क्या? ये सूटकेस यहाँ पड़ा हुआ है भाई। पंखा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा। पंखा बंद करो सालो। किधर है स्विच? हाँ अबे स्विच ठीक था वो भाई, रहने दे। अच्छा वो गिरा हुआ सब भाई, ये लैंप को भी हटाना पड़ेगा अपने को, पहले लैंप के ऊपर पॉइंटर करना पड़ता। अबे भाई एक तो पहले गेम खेलो ना ये सब चीजें पबजी छोड़ के। हाँ बेड पे लैंप लग जाओ साले, उठा के इधर रखना, उसको इस साइड में रखना पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं यहाँ पे खराब चीज हो जाएगा शायद। हाँ इधर, ओके ओके। ये चेयर को मेनली मेरे को लगता है चेयर को हटा के गेमिंग चेयर पर बनाना पड़ेगा। गेमिंग 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 गेम की जगह पे थोड़ा सा इसको मूव भी कर सकते हैं, रोटेट। ओके दिस इज परफेक्ट। तो अब हो रहा है ना भाई मस्त, गेमिंग चेयर उधर लग गया, अपना लैंप इधर रख गया, और एक चीज क्या सेट करना है मुझे पता नहीं। हाँ अच्छा ये कचरे, ये क्या है? इसको कहां पे रखूं? अच्छा ग्राइंड, अलाइन टू ग्राइंड, कहा कचरा का? ओके इसको बॉक्स के अंदर रखना है कहीं तो रखना है। बॉक्स बॉक्स किधर, बॉक्स किधर है? डोर किधर है? चलो ये डोर के अंदर चला, कहां चला गया? ओ भाई ये रूम वाला साफ करने को मेरे को बनाया था ना साले। अबे उठ जा, और भाई कहां रखू तेरे को, ये तो गायब हो जाता है, पलंग के नीचे छिपा दू क्या? अच्छा इसको डोर खोल के इसमें करना पड़ेगा प्लेस्ड। ओके इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले खोलना पड़ेगा, यहीं पे गिर जा तू भाई। ए क्या नखरेबाजी है रे इस लोगों के। तो 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद पता चला कि भाई साहब इस कचरे को नहीं हटाना है, अपने को सीधा करना है इसको, इस फोटो को। तो इसको क्लिक करते आगे जाके, भाई तो बोल रहा हूं लिटरली 5-10 मिनट से मैं ये कर रहा हूं। चलो ये परफेक्ट हो गया, ठीक है गुड जॉब, यू गेट ए रिवॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द ऑर्डर। 1000 रुपए मिले मुझे ये करने का। यूट्यूब छोड़ रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं घर की सफाई करने को भाई, टट्टी वट्टी साफ करके 1000 रुपए मिल रहा है। यूट्यूब से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, 1.5 साल हो गए मुझे। तुम लोग प्लीज शेयर करो करो, और जो भी चैनल पे नए हो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी नए नए घर खरीदेंगे। तो रॉबर्ट भैया ने हमें दूसरा काम दे दिया है, कॉरिडोर साफ करने का और गंदगी हटाने का, और ये हमें दिया एक पोछा। अब इस पोछे से मुझे ये साफ करना पड़ेगा मुझे, आई होप। यस घिसो साफ एक बार में, आई एम प्रो इन सफाई वाला। और किधर कचरा है बताओ, कचरा किधर है? इसकी बहन को सब कचरा साफ कर दूंगा। अबे कचरा बता किधर है, बस सारे कचरे सूख जा, पानी पोंछ दिया भाई। और किधर किधर कचरा है?
अच्छा ये भी डर्ट ही है, इसको मारो साले को जल्दी फटाफट फटाफट घिसो फटाफट। ये भी साफ हो गया। और कहां है और कचरे की तरह कॉरिडोर पूरा को पूरा चमका दिया तेरा भाई ने। किधर है रे कचरा? तो कचरा ही नहीं है, चार चीज बोला था उसने साफ कर रहे, मारेगा रोबोट मेरे को। अच्छा रोबोट नहीं, रॉबर्ट भैया मारेंगे मेरे को। कहां आसमान जमीन साफ कर दूं, क्या कर दूं? अच्छा ये वाला है क्या, इसको साफ करना है? जमीन पे पोछा लगाऊं, क्या करूं? कॉरिडोर तो यही है। अरे चार चीज बोला था उसने साफ करने को, ये है क्या? तीन चीज हमने साफ कर दिया है, बट चौथा चीज क्या है? चार चीजें कुछ तो बचा हुआ था। अरे ये दिख नहीं रहा, इतनी बड़ी चीजें, अंधा हूं मैं? नहीं नहीं मैं अंधा हूं, इतनी बड़ी गंदगी नहीं दिख रही है मुझे। क्या लिख रहा है तू, इसका क्या मतलब कि मैं अंधा हूं? भाई मैं अंधा नहीं हूं। हाँ अभी मैं साफ करता इसको भाई, फटाफट लौंडा घिस घिस घिस। यस क्लीन हो गया पूरा। अब मैं जैसे सफाई कर चुका हूं भाई साहब, मुझे बोलते हैं रिप्लेस हाईलाइटेड आइटम्स। अब कौन सा रिप्लेस करूं, हाईलाइटेड कौन सा है? कुछ है हाईलाइट यहां दिख रहा है कुछ? दरवाजा, दरवाजा ही हटा दूं? मैं पागल है क्या? चलो भाई जो करवाना करवा लो, ये तो दरवाजा खुल गया साले, हट। रिप्लेस थोड़ी करना है कॉरिडोर से, यहां पे कुछ तो हाईलाइटेड सीन होगा। कुछ तुमको दिख रहा है हाईलाइटेड? भाई मैं थक चुका हूं, मैं नहीं कर रहा उसके आगे, तो मेरे को दूसरा काम भी मिल चुका है बेडरूम को क्लीन करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेडरूम क्लीन कर लेते हैं। बेडरूम की तरह इतनी सारी गंदगी हमारे घर में, ऐसे कैसे? ये सारी गंदगी मेरे को दूर करनी पड़ेगी इस घर की। ये तो चमक गया भाई, और क्या क्या चीजें साफ करनी है? क्लीन डर्ट, ये तो पेंटिंग है भाई, मारेगा मेरे को। ये क्या टूटा हुआ है? प्लास्टिंग ट्रॉल टू प्लास्टर द वॉल। अभी मैं प्लास्टर कहां से लेके आऊं साले? प्लास्टरिंग, ये पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। अच्छा मेरे पास है स्टोर में 6,000 रुपए है। ओके तो ग्लैडी अभी नहीं करते, पेंट वेंट अभी नहीं करते हैं, अपन को पहले साफ कर लेते हैं भाई। अरे किधर गया तू? आई नीड टू गेट प्लास्टर। अरे भाई रहने दे तू, मेरे को अभी साफ करने दे पहले, सफाई क्लीन डर्ट करना है। एक और चीज को साफ करना है कुछ तो, और का गंदगी है? अच्छा यहां पे गंदगी है। तो चलो ये तो साफ हो गया है, प्लास्टर द वॉल, सब वॉल को प्लास्टर करना है उसी वॉल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रे कहां जा रहा है? इस दीवार को प्लास्टर करना है, मिस्त्री बनेंगे हम, राज मिस्त्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लेना पड़ेगा प्लास्टर। प्लास्टर कौन सा लूं यार? अच्छा अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट यहाँ का कलर देखेंगे तो थोड़ा सा पिंक टाइप का है ना, पिंक और ग्रीन है, तो इस सब का मिक्सचर है। तो यहाँ पे ओवंस येलो कैंटीन ग्रीन टाइप का है, तो ये ले लेते हैं अपन, ठीक है? ओके। अरे पेंट नहीं चाहिए, प्लास्टर चाहिए। अच्छा मे बी ये है बकेट ऑफ प्लास्टर, ओके ऊपर भी था, मेरे को दिख नहीं रहा था। चलो ठीक है, तो अब मुझे ये प्लास्टर यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हमने लगा लिया प्लास्टर यहाँ पे, और फटाफट मैं इसको कर देता हूँ अभी प्लास्टिंग। तो ये चिपक गया भाई, यू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। ओहो पैसे मिले, क्या बात है। अच्छा अभी इसको कलर भी करना पड़ेगा, तो कुछ तो लेना पड़ेगा अपने को। रोलर से कलर कर सकते हैं ना, पहले कलर लूंगा तभी तो। चलो ये कलर ले लिया, और अब भाई कलर नहीं करना है। अच्छा कलर करना ही नहीं है, मेरे पैसे बर्बाद हो गए भाई, मैं कलर खरीदा। यहां पे लिखा है रिप्लेस हाईलाइटेड आइटम कॉरिडोर। अब कॉरिडोर में जाना है भाई अपने को, और यहां पे क्या है हाईलाइटेड आइटम, तुमको कुछ दिख रहा है क्या? भाई मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है यहां पे हाईलाइटेड। तो अब जाके समझ में आया कि करना क्या है एक्चुअली में, मतलब इस डोर को चेंज करना है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोर खोल लेते हैं, डोर के पास चले जाते हैं, और डोर खरीदना पड़ेगा अपने पास। 5,450 रुपए, 800 रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे डोर को खरीदने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय कर लेते हैं, रिप्लेस करो। चलो -800 हुआ, लेकिन 300 रुपए मुझे मिला वापस है भाई, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है मुझे। 800 के बदले 1600 चाहिए था, 300, लेकिन चलो सह लेंगे। ये रॉबर्ट की दुनिया, अपन अपने बिजनेस कमाएंगे तो भाई फुल। ये रॉबर्ट का पैसा है वैसे,
अपना पैसा थोड़ी है, अपना बिजनेस नहीं है, अपन सिर्फ काम कर रहे हैं। इधर क्या है, सफाई वाले कर्मचारी। अब बेडरूम बाथरूम को क्लीन करना है भाई, बाथरूम की तबर कौन सा बाथरूम है। तो ये आ गए हम बाथरूम में भाई साहब। अबे हगते हो क्या ऊपर चढ़ के भाई, बाथरूम इधर इधर इसको साफ करना होता है, ये साफ नहीं करना होता। किधर गया रही ये भाई, ये साफ नहीं करना, क्या उल्टे पुल्टे करते हैं शराब पी के। शराब पीना बुरी बात है लेकिन पिया करो, क्योंकि बुरी काम करने चाहिए। हाँ तो फटाफट मैं इसको साफ कर लेता हूँ भाई। शीशे वीशे कैसे गंदे कर रखे हैं इसने, उल्टिया पुल्टिया कर रहा है भाई। फटाफट साहब, फटाफट, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए बेटे। तेरा आजाद इज नॉट लेजी। और कहां गंदगी, और किधर गंदगी है बताओ, अभी साफ करके देता हूं। किधर है रे गंदगी। अच्छा पान, मम्मी मारेगी साली, पोछा लगा रहा हूं मैं, पानी गिरा देते यार। माउंट सस्पेंडेड रेडिएशन शॉट बाथरूम में, क्या करना है। माउंट सस्पेंडेड रेडिएटर होता क्या है ये, गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा। चलो मैं कोशिश करता हूं पहले बिना गूगल के पूछने का। माउंट सस्पेंडेड रेडिएटर शॉट का चीज होता भाई ये, गूगल बाबा किधर है, गूगल से पूछा जाए क्या होता है माउंट सस्पेंडेड रेडिएटर। अच्छा तो कुछ तो ये वाली चीजें हैं। अच्छा हाउस फ्लिपर का ही है। ओके तो इस चीज को कुछ तो चेंज करना है, या फिर मे बी ये क्या होता है भाई, हम गरीब आदमी कहां से। अच्छा चलो ये हाईलाइट था रे, इसको मेरे को दिखा नहीं, इस वाला दिखता क्यों नहीं है रे, क्या ये किस चीज से कर रहा है सस्पेंडर रेड थिएटर शॉर्ट्स। ओके तो अपन शॉर्ट खरीदते पहले, शॉर्ट 750 रुपए इधर भी जाएंगे भाई, फिट हो जा। चलो लौंडा सेट है एकदम। इस नल को कहां ऊपर लगाऊं। ओके फुल प्लम्बर जॉनी सेंस बनेगा तेरा लौंडा। अरे हो गया भाई। अच्छा नट वट सब भाई, ऐसा छोटी मोटी चीजें हमें नहीं बोला करो, अपने से कर लिया करो यार। गेम वाले नल खोल दू क्या, पानी भर जाएगा फिर। अबे पोछा दे दिया भाई, एक काम खत्म करो तो दूसरी काम फटाफट देते भाई, मैं तो मर जाएगा रे बाबा। किधर जाऊं मैं पोछे लेके, लिविंग रूम। देखो वीडियो हो गई है बहुत बड़ी और आप लोगों को शायद मजा आया होगा। तो अब ये बोल रहे लिविंग रूम साफ करना पड़ेगा, इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें साफ करनी पड़ेगी मुझे पता है। तो इसीलिए मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए होगे तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन ऑल पे क्लिक करो, और भी बहुत सारे फन वाले वीडियोस हम बनाते रहते हैं तो सब वीडियो भी देखा करो। और हमारा लाइव स्ट्रीम शाम के वक्त 7:30 बजे होता है, उस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो, बहुत मजा करते हैं हम, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, जाके फॉलो कर दो। मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।